जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र के वीरा चौकी के गांव लौलास में बीते दिन 28 अक्टूबर को एक छात्र नहर में डूब गया था, जिसकी तलाश करने के लिए अजयगढ़ थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत की। छात्र का शव दूसरे दिन शनिवार को नहर में रेस्क्यू के दौरान बरामद किया है, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के अजयगढ़ अस्पताल भिजवा दिया। लौलास गांव के निवासी छात्र अनिल यादव, पिता रामकरण यादव, उम्र 21 वर्ष, अक्टूबर को सुबह 11 बजे गांव के पास ही नहर में नहाने गया था। यहां वह सीढ़ियों पर बैठकर नहा रहा था, इसी दौरान पैर फिसलने से नहर में गिरकर तेज बहाव में बह गया। ग्रामीणों ने तलाश शुरू कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया। रेस्क्यू देर रात में रोक दिया और दूसरे दिन सुबह फिर शुरू किया। दूसरे दिन रेस्क्यू में कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम को छात्र का शव मिल गया। शव का पंचनामा कर अजयगढ़ के पीएम हाउस में पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। इस घटना से मृतक छात्र के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में मातम का माहौल है। छात्र का शव तलाशने में पुलिस व एसडीआरएफ की टीम के साथ अजयगढ़ थाना प्रभारी हरि सिंह ठाकुर, वीरा चौकी प्रभारी भानु प्रताप सिंह, होमगार्ड के प्लाटून कमांडर सत्यपाल जैन सहित पुलिस होमगार्ड की टीम लगातार छात्र की तलाश में जुटी रही। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए के रिश्ते को और गहरा बनाए समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।